जो मंजिल का इंतजार करेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। रुके हुए कदम मुड़ाओ, चलने वाले समय का स्वागत करो। आज कितनी खुशियां हैं जो कल नहीं थी। खुश रहो, खुदा जब चाहे हमें मंजूरदार करेगा। जीने की कला सिर्फ उतार चढ़ाव में नहीं है, बल्कि उतार चढ़ाव को उठाने की है। जिंदगी मुसीबतों के आगे हारने वालों के लिए नहीं है, वही जीता है जो मुसीबतों को हरा देता है। आपका सोचने का तरीका आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। जीवन में हराने का डर कभी नहीं रखो, क्योंकि डर का ध्यान रखने से आप सिर्फ हार ही पा सकते हो। आज की असंतुष्टि कल की सफलता का मतलब होती है। बुरे वक्त में भी मुस्कुराना सीखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। सपने में विचारों की परिभाषा होती है। हमेशा सोचो कि सब कुछ अच्छा होगा, रास्ते का विचार न करें। जिंदगी इतनी अच्छी है तो अच्छे ख्यालों में रहना चाहिए। आपका सपना सिर्फ आपकी मेहनत और समर्पण की कश्ती पर टूट सकता है। जीने का आनंद लो, आपको अपनी मंजिल तक ले जाने वाली यात्रा में आनंद आएगा। हार्ट आंखें बंद करे, जिंदगी तुम्हारी अच्छी तरह से चल रही है। आपका मन दर्पण की तरह होना चाहिए, जहां सभी सुंदरता को देख सकते हैं। दुनिया पर कपड़े फेंको, वास्तविकता आपकी आत्मा के छाप के रूप में है। आपके चेहरे पर कोई चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद खुश होते हैं। जीवन एक अद्भुत एडवेंचर यात्रा है, तो इसका आनंद लो और खुश रहो। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, आपका अगला चैप्टर लिखने का समय है। जीने की कला मुसीबतों को मुस्कुराने में ढूंढती है। सब कुछ ठीक होने के लिए आपको भी ठीक रहना होगा। खुदा ने आज का दिन बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए हर पल का आनंद लो। प्यार शब्द ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनकर ही हमें अच्छा महसूस होने लगता है। प्यार शब्द में वो एहसास है जिसे हम कभी नहीं खोना चाहते। इस शब्द में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें मानसिक और आंतरिक खुशी प्रदान करती है। कभी कभी कष्ट दे भी होती है। डॉट प्यार को अलग अलग तरह से परिभाषित किया जा सकता है, परंतु समझने वालों के लिए प्यार के मायने अलग अलग होते हैं। कोई हवस को प्यार समझता है तो कोई त्याग को प्यार समझता है। किसी की नज़र में प्यार जिम्मेदारी है तो किसी की नज़र में प्यार चिंता। प्यार है, कहने का मतलब है, आज लोग स्वार्थ के नजरिए से ही प्यार को परिभाषित करते हैं। किसी लिए कुछ किया तो वो प्यार है, नहीं किया तो प्यार नहीं है। मेरी नज़र में प्यार बलिदान का नाम है, जो किसी भी क्षेत्र में या किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। प्यार हवा की तरह है, आप इसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। अगर तुम मुझे याद करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सब मुझे भूल गए हैं। प्रेम में एक दूसरे की ओर देखना नहीं है, बल्कि एक ही दिशा में एक साथ बाहर की ओर देखना शामिल है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें जाने दें, क्योंकि अगर वे लौटते हैं तो वे हमेशा आपके थे। यदि वे नहीं करते हैं तो वे कभी नहीं थे। प्यार से सावधान रहें, यह आपके दिमाग को घुमा देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऊपर या नीचे है और सही है या गलत है। पत्नी और अकेलापन एक आदमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर पत्नी आपको छोड़ देती है तो आप कहीं भी हो, अकेलापन आपका पीछा करता है। एक पति अपनी पत्नी का सेक्स पार्टनर नहीं है और एक पत्नी अपने पति के लिए सेक्स वर्कर नहीं है। पति और पत्नी उनके परिवार के जीवन साथी और सहकर्मी हैं। प्रेम और जंग में सब कुछ उचित है।
सच्चे प्यार का रास्ता कभी नहीं आसान होता। अंधेरा अंधकार को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। घृणा घृणा को दूर नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। किसी के द्वारा गहराई से प्यार करने से आपको ताकत मिलती है, जबकि किसी को गहराई से प्यार करने से आपको हिम्मत मिलती है। सच्चे प्यार के लिए कोई समय या स्थान नहीं होता है, यह आकस्मिक रूप से होता है, दिल की धड़कन में एक ही चमकते धड़कते पल में। प्यार वह शर्त है जिसमें किसी दूसरे की खुशी आपके लिए जरूरी है। अगर आप एक महिला को हंसा सकते हैं, तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। प्रेम कभी प्राकृतिक मृत्यु नहीं मरता, यह मर जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि इसके स्रोत को कैसे फिर से भरना है। यह अंधत्व और त्रुटियों तथा धोखों से मरता है, यह बीमारी और घावों से मर जाता है, यह थके हुए मुरझाने कलंकित होने से मर जाता है। असली प्रेमी वह है जो आपके माथे को चूमकर या आपकी आंखों में मुस्कुराकर आपको रोमांचित कर सकता है। जब कोई आपसे प्यार करता है, तो आपके बारे में बात करने का उसका तरीका अलग होता है। आप सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। जब हम प्यार करते हैं, तो हम हमेशा अपने से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, तो हमारे आसपास की हर चीज भी बेहतर हो जाती है। प्यार करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं जीऊंगा। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार न करें जो आपके साथ सामान्य जैसा व्यवहार करे। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त होने के साथ साथ मेरे प्रेमी भी हैं, और मुझे नहीं पता कि आप में से कौन सा पक्ष मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं प्रत्येक पक्ष को संजोता हूँ, जैसे मैंने अपने जीवन को एक साथ संजोया है। जहाँ प्यार है, वहाँ जीवन है। किसी ने कभी नाप नहीं लिया, कवियों ने भी नहीं, कि दिल कितना थाम सकता है। हर दिल एक गीत गाता है अधूरा, जब तक दूसरा दिल फुसफुसाता है। जो गाना चाहते हैं, वे हमेशा एक गाना ढूंढते हैं। प्रेमी के स्पर्श से हर कोई कवि बन जाता है। टूटे हुए दिल का यह एक अच्छा संकेत है, इसका मतलब है कि हमने कुछ करने की कोशिश की है। दिल तोड़ने के लिए बनते हैं। प्यार हमेशा धैर्यवान और दयालु होता है, यह कभी ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम कभी घमंड या अभिमानी नहीं होता, यह कभी असभ्य या स्वार्थी नहीं होता है, यह अपराध नहीं करता है। प्रेम दूसरों के पापों से प्रसन्न नहीं होता, परंतु सत्य से प्रसन्न होता है। यह हमेशा बहाने के लिए, भरोसा करने के लिए, आशा करने के लिए और जो कुछ भी आता है उसे सहने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्यार पत्थर की तरह नहीं है कि जैसा मिला वैसे ही रहेगा, बल्कि यह एक रोटी तरह है जिसे हम रोज एक नए तरह से बना सकते हैं। प्रेम एक आग है, लेकिन यह आपके चूल्हे को गर्म करने वाला है या आपके घर को जलाने वाला है, आप कभी नहीं बता सकते। प्यार उस तरह से शुरू और खत्म नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। प्रेम एक युद्ध है, जब प्रेम में पागलपन नहीं है तो वह प्रेम नहीं है। सच्चा प्यार दुर्लभ है, और यह एकमात्र ऐसी चीज है जो जीवन को वास्तविक अर्थ देती है। किसी से बहुत ज्यादा प्यार करने के चक्कर में खुद को खो देना और यह भूल जाना कि आप भी खास हैं, सबसे दर्दनाक चीज है। मुस्कुराना ज्यादा, चिंता कम, अधिक करुणा, कम निर्णय, अधिक धन्य, कम तनावग्रस्त, प्यार ज्यादा, नफरत कम। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। प्यार जितना बड़ा होता है, उसके खत्म होने पर उतनी ही बड़ी त्रासदी होती है। हम सही प्यार बनाने के बजाय
सही प्रेमी की तलाश में समय बर्बाद करते हैं। प्रेम एक अदम्य शक्ति है। जब हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो यह हमें नष्ट कर देता है। जब हम इसे कैद करने की कोशिश करते हैं तो यह हमें गुलाम बना लेता है। जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो यह हमें खोया हुआ और भ्रमित महसूस कराता है। दूसरे के लिए आंसू बहाना कमजोरी की निशानी नहीं है, वे शुद्ध हृदय की निशानी है। कला और प्रेम एक ही चीज है। यह खुद को उन चीजों में देखने की प्रक्रिया है जो आप नहीं हैं। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें यकीन होता है कि कोई और नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है दूसरे करते हैं और अक्सर करते हैं बहुत बेहतर। एक फरिश्ता जो आपको रुलाता है वह उस शैतान से बेहतर है जो आपको मुस्कुराता है। आप अपनी जाति से बाहर शादी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने मूल्यों से बाहर शादी नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे कल नई पोस्ट के साथ। तब तक हमारे चैनल के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।